रेडी होके फिर सो गया। पहले जो काम होता है ये बच्चों का होता है, ये जल्दी वाला होता है। हाथ धो रही हो, कंघा कर लिया, पुनी नहीं किया अभी, तो फिर शहर चले जाते हैं। ऊपर से टाइम भी बहुत कम बचता है, जी भी फ्री हो जाएंगी, मैं फ्री नहीं हो पाऊंगी। हो गए रेडी, खाना खा लिया, ऐसे भी मिल गया आपको जी। जीवा अपना सुनाओ, आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। टैबलेट खाते हैं और हैदर भी पहुंच चुका है। नहीं कुछ भी नहीं है, फिर बेगम ने जो है कपड़े धोना स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे पहले था ना वैसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, अब जो सेटिंग हो गई है ना माशाल्लाह देखें आप कितनी प्यारी लग रही है। तो सफाई शुरू करते हैं, सफाई करने के बाद जो है ना फिर हम धोएंगे बर्तन। हाय 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 हाय, डिजाइन अच्छा बन जाएगा है ना। इसका इतना काम नहीं है, बस आधा घंटा लगेगा, पौना घंटा बस। जैसे बोला था ना 38 फीट है तकरीबन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, जो बीमार है अल्लाह पाक शिफा दे, जो बे औलाद है अल्लाह पाक नेक साले औलाद दे। तो आज का व्लॉग करते शुरू रहना अपने हमारे साथ है। तो सुबह सुबह का टाइम हो चुका है, हम लगे हैं सुबह का नाश्ता बनाने और बच्चे जो है ना सब स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं। वो जब तक रेडी होते हैं तो हम नाश्ता बना लेंगे और बच्चों को नाश्ता पानी करा देते हैं और फिर वो स्कूल जाएंगे। तो अभी नूर मोम्मा जो है ना अभी उठाया, ये देख रहे हैं, तो इनको मैंने उठाया, मैंने कहा चलो जल्दी करो स्कूल के लिए जो है ना आप रेडी हो जाओ। बख्तावर और इस्लामुद्दीन वो पहले उठे हुए हैं, वो रेडी हो रहे हैं। तो अभी जो है ना मैं गूंथती हूँ आटा, तो उसके बाद है ना आज जो है ना थोड़ा सा आटा गूंदना है, बस 2-3 रोटियों। रात को जो है ना हमने तंदूर पर रगवाई थी रोटी, वो रखी हुई है बहुत सारी, तो वो किसी ने खाई नहीं थी रात को, कहा चलो अभी जो है ना हम वो खा लेंगे ताज़ा रोटी बना के देना, वो अपना मकान को देंगे। तो उनकी तबीयत सही नहीं है, तो सबने उनके लिए दुआ करनी है तो उनकी तबीयत भी सही हो जाए। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, काफ़ी टाइम हो चुका है, 8 बज चुकी है, क्योंकि 8:30 बजे तक जो है ना बच्चे स्कूल जाते हैं। बाकी रह गए हैं आधा घंटा, तो आधे घंटे में जो है ना हमें नाश्ता भी बनाना है और बच्चों को टिफ़िन पैक करके देना है, उनको भेजना है। चलिए जी, मैंने टाइम वेस्ट किया है, अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इधर आते हैं अंदर और इधर देखें इस्लामुद्दीन जो है ना रेडी होके फिर सो गया। देखें कपड़े भी इधर पड़े हुए हैं जहाँ सोते हैं, केस वगैरह ये अभी नहीं उठाए। मैंने कहा चलो नाश्ता पानी निकाल के स्कूल भेज के बच्चों को, बाकी का जो काम है घर का वो मैं बाद में करती रहूंगी। सबसे पहले जो काम होता है ये बच्चों का होता है, ये जल्दी वाला होता है, तो ये पहले कर लेते हैं और बाकी के जो काम है वो घर के होते हैं, इंसान करता रहता है। आटा भी मैंने इधर निकाल के रखा हुआ है, देखें तो आटा गूंथती हूँ। इसमें हमारी रोटियाँ हैं, ये हमारा दूध जो अभी नंबरदार लेके आया है, तो इसको मैंने बाल्टी में डाल के फ्रिज में रखना है, ये ऐसे इधर रखा रहा तो खराब ना हो जाए। अभी इसको बाल्टी में डाल के रखते हैं। हाँ जी बख्तावर, क्या कर रही हो? हाथ धो रही हो, कंघा कर लिया, पोनी नहीं किया अभी, तो चलो जल्दी जल्दी पोनी कर लो, मैं जब तक आटा गूंद लेती हूँ। उसके बाद जो है ना हम बनाते हैं खाना। तो आज जो है ना फिर हमने जाना है शहर आप ही के साथ, क्योंकि कल जो है ना शॉपिंग हमने की थी, वो एक कपड़े वगैरह लिए थे, बाकी जो दुल्हन का मेहंदी का सामान होता है वो लेना है। आज भी फिर जाना पड़ेगा हमें मेहंदी का सामान लेने। ये जो है ना काम शादी के जो होते हैं ना वो शादी तक नहीं खत्म होते, एक एक चीज लेते लेते ना काफी टाइम लग जाता है। इसीलिए जब घर से फ्री होते हैं फिर शहर चले जाते हैं, ऊपर से टाइम भी बहुत कम बचता है, फिर जो चीजें ले सकते लेके आ जाते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम जो ना फिर जो रह जाती है वो नेक्स्ट टाइम जाके ले जाते हैं। हाँ जी अच्छा आ रही हूँ, ऐसा ही होता है क्योंकि घर का काम करते करते फिर की आजान हो जाती है, फिर आधा दिन तो गुजर जाता है, बाकी आधा बचता है। आधे दिन में जो ना आप खुद बताएं कि क्या क्या चीज इंसान ले सकता है, एक एक चीज लेनी देखनी अच्छी तरीके ये अच्छी है नहीं है, तो काफी टाइम लग जाता है, इसलिए फिर लेट भी बहुत हो जाती है। हमें शाम का खाना बनाते हुए भी जल्दी जल्दी काम करते हैं, फिर नहीं तो बाजी भी फ्री हो जाएंगी, मैं फ्री नहीं हो पाऊंगी। मान जो है ना इकट्ठा हो चुका है, सालन है, रोटियां है, इधर आटा है, तवा भी आ चुका है, अभी जलाते हैं सिलेंडर। हाँ जी वाजीवा, भिंडी वाला सालन। हाँ जी ले आई बख्तावर। चले जी ओके हो गया, अभी मैं ना रोटियां गरम करती हूँ और फिर आपने साथ साथ खाते जाना है, और बाकी जो है ना 2 रोटियां गरम करके मैं आपको टिफिन पैक करके दूंगी, ठीक है? हैदर आप इसको नीचे रखो, फिर आप भी रोटी खाओगे नहीं खाओगे? कौन खाएगा? मैं करके खाऊंगा। क्या करके खाओगे?
दस्तरखान पे खाओगे? हैदर अली कहता है कि मैंने जो ना दस्तरखान पे बैठ के खाना है, तो वो जहाँ बैठ के खाएगा खा लेगा। अभी फिलहाल हम देते हैं बख्तावर नूर मोहम्मद और इस्लामुद्दीन को। हाँ जी नूर, रेडी हो गए? खाना खा लिया? हैदर अली तो अभी खा रहा है, आपने खा लिया और बख्तावर ने भी खा लिया, इस्लामुद्दीन ने भी। अच्छा, वो अपना बैग लेने के लिए गए हैं। अभी इधर रोटी हमारी बन रही है, ये बन जाती है, जैनब आमना भी आने वाले हैं, फिर सब जो ना एक साथ चले जाना, ठीक है? बटन नहीं बंद किए, इनको बंद कर दो। और टिफ़िन भी मैंने पैक कर लिया है, पानी की बोतल भी उधर भरी भर लेना, फिर चले जाना, ठीक है? हो गए रेडी? खाना खा लिया? पैसे भी मिल गया आपको? इस्लामुद्दीन भी है और नूरुद्दीन पानी की बोतल उठाई हुई है, इस्लामुद्दीन टिफ़िन उठा रहा है। चलो जाओ, ओके, अल्लाह हाफिज़। दरवाजा बंद कर देना, बच्चे तो सब चले गए हैं, अभी मैं बना रही हूँ रोटी। लो जी, एक काम तो हो गया हमारा फाइनल, बाकी के जो है वो भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अभी फिलहाल जो है ये सामान जो है ना जो इधर रखा हुआ है वो उठा के रखते हैं अंदर, बाकी का जो दूसरा काम है वो स्टार्ट करते हैं। दूसरा काम जो है ना अभी ये स्टार्ट होना है कि जो इधर से फालतू चीजें हैं धोने वाली बर्तन वगैरह वो जो है ना हम रखते हैं नलके पे, जो सालन है और रोटियां हैं ये अंदर रखते हैं और फिर करते हैं अंदर सफाई। तो सफाई शुरू करते हैं, सफाई करने के बाद जो है ना फिर हम धोएंगे बर्तन जो कि हमने हल्के पे इकट्ठे करके रखे हुए हैं। चलिए जी, झाड़ू जो है ना लग चुका है, फैनली बाकी रहते हैं, बर्तन इधर इकट्ठे करके रख दिए हैं सारे। चलते हैं बाजी के घर, तो उनसे पूछते हैं क्या हाल हवाल है, क्या सूरत हाल है, क्या आगे जो है ना करना है। उनसे जाके पूछते हैं, जो वो बताएगी, फिर उसके बाद जो है ना मैं आके वापस बर्तन धोऊंगी। तो नहीं, हैदर अली जो है ना वो कहाँ चला गया है, घर पे भी नहीं है। इब्राहिम और सदीक और ये सब जो है ना खेल रहे थे तो उनके साथ था, लेकिन अभी जो है ना वो है नहीं। तो पहुँच चुके हैं अभी के पास, अभी जो है ना खाना बनाने में नाश्ता बनाने में लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ मैं। तो अल्लाह पाक का करम है, अपना सुनाओ, आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, बिल्कुल फिट है। सलामत रखे, हमारी तो यही दुआ है। आमीन। बना लिया नाश्ता पानी? अच्छा, अभी चाय। आज पता है क्या? हाँ जी, लटरा हो गया है। खाली आधी रोटी बनाई है, आधा जो ना आटा बचा के रखती है। अच्छा, मैंने कहा कि बच्चों ने स्कूल जाना है उनके लिए तो बन जाए ना। हाँ, फिर आपको पता है कि चाय के बगैर भी नहीं गुजारा। हाँ, गुजारा नहीं है, तो जब तक चाय ना मिले तो ऐसा लगता है हमारे लिए दिन भी नहीं हुआ। हाँ, अभी नींद में ऐसा महसूस होता है। तो कुछ रोटी मैंने बनाई थी, फिर सारा नहीं था, रात गोभी मटर बनाया था, रात को खत्म हो गया। तो फिर प्याज आपके घर से मंगाए, कुछ अपने घर में बड़े थे अंडे मंगाए, फिर मैंने सालन बनाया था। हाँ, बच्चों को नाश्ता दिया था, इधर उन्होंने खाना था, और स्कूल भी साथ लेकर जाता है वो भी दिया है। उसके बाद चाय बनाई है, तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा सालन और चाय पक गई है। हाँ, रोटी के चांस खत्म हो गए, जितनी बनी रखी है बच्चों को भी दे दिया है, जो अभी नाश्ता करने वाले थे उनको कर दिए, दे दिया, वो उन्होंने खा लिया। बाकी जो है ना एक दो बंदे बच गए हैं, तो उनका आटा पड़ा है, वो अभी सो रहे हैं। तो जब जागेंगे अपना जैसा दूर से पकवा के ले आएंगे। हाँ, या सिलेंडर भरवा के ले आएंगे, फिर उसके लिए बनाऊंगी। हाँ, मैंने खाना शाना बना लिया है, सफाई भी कर ली है, बाकी बर्तन रहते हैं धोने वाले। तो मैंने कहा भी चलते हैं बाजी के घर, उधर से पूछते हैं हाल हवाल, क्या सूरत हाल है, तो आज जाना है शहर नहीं जाना, तो उसी हिसाब से मैं अपने घर का काम करती रहूँगी। सही है, आज जो ना आज भी मैंने कहा मुकुल को शहर जाने की छुट्टी है। जो शॉपिंग की है उसको जो है ना अभी सिलाई भी करवानी है। सही, तो मैंने बोला है कि ये अभी बहन भाइयों के साथ मैंने शेयर भी नहीं की, कल की शॉपिंग मैंने दिखाया भी नहीं है, तो वो भी दिखाऊंगी, और सिलाई जो देने हैं वो भी आज दे के आएंगे। चलेंगे, तो सही, दो दिन हो गए हैं मुसलसल मैं सुबह की जाती हूँ, शाम को वापस आती हूँ, कुछ तबीयत मेरी खराब लग रही है, तो मैंने कहा आज का जो है ना मैं घर में रेस्ट कर लेती हूँ। हाँ, तो इंशाल्लाह कल फिर देखेंगे। चले, सही है, फिर मैं भी कुछ कपड़े वगैरह हैं धोने वाले वो धो लूं, और कुछ सफाई भी और करनी है, जैसे ऊपर जाला शाला हो जाता है
वो भी उतारना है, वो भी उतार लेती हूँ, कुछ सफाई कर लेती हूँ। वो आपका भोलू इधर रखा है जाने वाला। हाँ वो रखा है तो वो भी उठाऊंगी। मैंने कहा पूछ आती हूँ, अगर जाना है तो फिर मैं उस हिसाब से काम करूंगी और काम जो है ना नहीं फैलाऊंगी। अगर नहीं जाना तो फिर मैं घर का जो है ना जो करने वाला है काम वो मैं कर लूंगी। आज अपना ना सुकून से ये समेट लो। हाँ इंशाल्लाह जिंदगी बाकी तो सुबह देखें इंशाल्लाह। तो आज जो है ना शहर जाने की है छुट्टी, तो आज घर का काम कर लेते हैं। कपड़े कुछ पड़े हैं धोने वाले वो धो लेते हैं, और घर के ऊपर जाला शाला जो हुआ खड़ा है वो उतारते हैं, और कुछ जो है ना धोए थे वो भी अभी ऐसे रखे हुए हैं उसको भी सेट करके रखते हैं। तो बर्तन डाल के पहले जो है ना जाके बर्तन धो लूंगी, उसके बाद जो ना बाकी मशीन लगा दो साथ में बर्तन धुलाई कर लो। हाँ बाद में जो है ना बाकी आहिस्ता आहिस्ता वो चलता फिरता काम होता ना, इधर कपड़े भी निकालते रहना धोते रहना और सफाई हो। इतना ज्यादा कपड़े नहीं है, बस एक पूर होगा या दो ही होंगे बस। और वो बिजली चेंज की है? हाँ अभी अभी चलाई है, तो बिजली चला के फिर मैं घर आ गई। वो हमारे पे बटन ऑन है? नहीं वो ऑन नहीं, वो जाके करती हूँ। आपके घर का भी बटन ऑन करती हूँ और अकरम भाई के घर का भी बटन ऑन करती हूँ। चले जी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं अपनी तबीयत का? सही नहीं है अभी। नहीं सही हुई? दवाइयां भी तो खाई थी, जरा सा भी फर्क नहीं है? नहीं कुछ भी नहीं है। अल्लाह पाक खैर करेगा आपको, सेहत और तंदुरुस्ती दे। आमीन। इधर से आवाजें आ रही हैं, मेरे ख्याल वॉशिंग मशीन चल रही है, और आज फिर बेगम ने जो है कपड़े धोना स्टार्ट कर दिए हैं। मैंने कहा चलो मैं आपके साथ व्लॉग शेयर कर लेता हूँ। अभी टाइम जो है आपको दिखा देता हूँ, 10:35 हो चुके हैं, और हमारा व्लॉग भी कब से स्टार्ट है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मुझे इल्म नहीं है। सुबह का स्टार्ट है, सुबह का जब हम उठे। अच्छा जी। आपका स्टार्ट है, ये तो सारा दिन चलता रहेगा। हाँ ये तो है कि सारा दिन हम जो भी करते हैं वो शेयर करते रहते हैं देखने वालों के साथ। ये टुकड़ों का इलाज नहीं है कोई? टुकड़ों का इलाज जो गीले होते हैं डालते हैं सूखने के लिए, वो कम में नीचे गिरा देते हैं, जो सूख जाते हैं वो बोरे में डाल के अंदर वो भी है। वो भी है, वो देखो हाँ इधर ये सारे पड़े हुए हैं। मैं भी सारा दिन यही रोटियों के टुकड़े चुनता रहता हूँ, और आप भी चुनती रहती हैं और बच्चे भी चुनते रहते हैं, गिरा देते हैं ना खत्म ही नहीं होते। नाश्ता बना लिया? हाँ नाश्ता बना लिया। आपका नाश्ता आपको करने की देरी है, आप नाश्ता पानी करें तो फिर बाकी का काम आगे शेयर करेंगे। सही हो गया जी। ये है ना ये कमरे के अंदर जो ऊपर जाला शाला हुआ खड़ा है ना, उसको उतारते हैं साफ साफ करते हैं, फिर ये कपड़े भी आज धो लेंगे, ये भी अंदर की भी सफाई हो जाएगी, फिर कल इंशाल्लाह सुबह फिर शहर का चक्कर लगेगा। वाह जी वाह, ये शहर के चक्कर ही लगते रहते हैं, और रोशनी कर दे थोड़ी ताकि कुछ रिजल्ट आए। और जब दिन को ये चल रहा होता है ना सिस्टम सोलर वाला, तो बत्तियां जला दिया करो ताकि फिर भी लोग जो बनाए ना बंदा तो रिजल्ट अच्छा आए। हाँ। अब देखें कैसा रिजल्ट आ रहा है। और इधर एक फूल गुलदस्ता रख दिया है, एक उधर रख दिया है, और एक इधर है और एक इसके अंदर है। जगह खाली नहीं है, जो चीज जहाँ अच्छी लगती थी वही हमने रख दी है। बाकी आगे आप ही बता दें जो अच्छी ना लग रही हो। नहीं आप ये बोलते हैं कमरा सेट है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, सारी सेटिंग बिल्कुल ओके की ओके ही है। एसी भी लगा खड़ा है, और जैसे बेड पहले था ना वैसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, अब जो सेटिंग हो गई है ना माशाल्लाह देखे आप कितनी प्यारी लग रही है। जी हाँ। बाकी दूसरे कमरे की जो है वो आप सेटिंग देख लें, अगर उसमें आप कुछ चेंजमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। वो भी बोलते हैं इस तरह का बनाए उसको भी, दोनों कमरे जैसे ऐसे बने होंगे ना। हाँ। तो जो भी आएगा ना दिल बाग बाग हो जाएगा। बनाएंगे इंशाल्लाह, ऐसे इस तरह ही बनाएंगे, ऐसा ऐसा जो ना होते हैं काम। चले फिर नाश्ता आ जाए, फिर बाहर नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद जो भी एक्टिविटी है इंशाल्लाह आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आपने रहना हमारे साथ है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है, जो न्यू आते हैं बेल आइकन को भी
ऑल पे सेट कर देना है ताकि हमारी जो भी वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। जो नोटिफिकेशन में हमारी वीडियो आए तो उसको ज़रूर क्लिक किया करें। ऊपर जो नोटिफिकेशन आता है उससे ही आप वीडियो को ऑन कर लिया करें, चला लिया करें, तो उससे हमें पता चलेगा। ये एक किस्म का सर्वे होता है, सर्वे के हिसाब से जो है ना 10 से 12 लोग जो है वो नोटिफिकेशन से आते हैं, बाकी जो है वो नहीं आते, और कुछ जो है तलाश करने से आते हैं सर्च की मदद से, और कुछ लोग जो है सब्सक्रिप्शन फीड से आते हैं, और कुछ लोग जो है सजेशन वीडियो से आते हैं, और कुछ लोग सजेशन ये होता है अगर आप कोई और वीडियो चला रहे हैं ना तो नीचे हमारी वीडियो आ जाती है, तो कुछ लोग उधर से भी ओके कर देते हैं, और कुछ लोग जो है डायरेक्ट हमारे चैनल के ऊपर जाके प्ले कर लेते हैं, हमारा व्लॉग देख लेते हैं, और कुछ लोग जो है अपनी हिस्ट्री से तलाश कर लेते हैं जो उनकी वीडियो चली खड़ी होती है ना, उधर से ही अगर उनको वीडियो मिल जाती है तो वो फिर उधर से देख लेते हैं, और कुछ लोग गूगल से भी देख लेते हैं। मतलब ऐसे जो है ना आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस तरह हमारी वीडियोस वगैरह देखते हैं। जो आप नेक्स्ट होता है ना, मतलब जो सजेशन वीडियो है ना, अगर कोई आप और वीडियो देख रहे हैं ना तो हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, जब वो वीडियो ख़त्म होती है तो फिर ऑटोमेटिकली हमारी वीडियो चलना स्टार्ट हो जाती है। कि हमारे पास वो सर्वे के हिसाब से यूट्यूब हमें बताता है कि इतने लोगों ने ना आपको इस तरीके से देखा है। हो गया टिंग हो गया टिंग। दिन रात मास्क लगा के ना मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूँ। आज मेरा नाक भी लाल हो गया है, इसमें वो मजा नहीं रहा, मैं नाक नहीं निकाल सकता। नाक जो है अब मैं नहीं निकाल सकता, दुनिया के सामने नाक नहीं ला सकता, सॉरी दुनिया को नाक अपना नहीं दिखा सकता क्योंकि बंद हुआ था नाक। कंडीशन जो है बहुत ही ज्यादा खराब है। चलो कोई नहीं, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। रात को गोलियां खाई थी आपके सामने ही, अभी खाना खा के फिर गोलियां खाएंगे, वो भी आपके सामने ही खाएंगे इंशाल्लाह। आपने दुआ जरूर करनी है कि अल्लाह पाक हमें जल्द शिफा दे। फ्रिज क्यों बंद है? ओवन तो वैसे भी चल जाता ना, वो सोलरों को धो लेना अगर पावर कुछ ज्यादा हो जाएगी। ऐसे तो ठंडी धूप होती है ना सर्दियों की, फिर इतनी लोड नहीं उठाती, क्योंकि अकरम भाई के यहाँ भी चल रही होती है फ्रिज वगैरह, मुखलिस भाई के पूरे घर की चलती है, हमारे भी पूरे घर की चलती है, इसलिए जो है इतना लोड सिस्टम हमारा उठा नहीं रहा। अगर सोलरें साफ होना, सोलरों के ऊपर धूल जमी हुई है बहुत सारी, मेरी तबीयत सही नहीं है, और आपको पता है धूल उठती है जब उनको साफ करते हैं, धूल उड़ती है ना फिर प्रॉब्लम होती है। और बेगम को जो है टाइम नहीं मिल रहा, और बेगम ने ट्राई भी किया है लेकिन वो मिट्टी इतनी जम गई है कि जाती ही नहीं है। अब उनको पानी लगाना पड़ेगा अच्छे से, फिर जो है वो साफ हो जाएंगी इंशाल्लाह। आ गया है नाश्ता, पिंडियां दे लाल, पिंडियां दे, पिंडियां दे लाल। ये न्यू है मतलब धुली हुई है। चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, नाश्ता हमारा पहुंच चुका है। अगर आपने भी हमारे साथ बैठ के नाश्ता करना है तो आ जाए, मोस्ट वेलकम। अभी गोलियां टेबलेट खाते हैं और हैदर भी पहुंच चुका है। हैदर के सर में क्या है? इधर है कुछ भी नहीं है मल्ले, ये वो जो किक्केर है ना उनका बूर है, फूल है। ओ आई जिंदे सिर ते निशानी ओंदी सकी नानी हजते वेसी, जिंदे सिर ते निशानी ओंदी नानी वेसी हजते। हैदर बोलो हज पे तो जाएगी, मदीना पाक तो देख के आएगी है ना, जाएगी हज पे। बिस्मिल्लाह, जब भी गोलियां खाता हूँ ना रात को फिर सारे रात नींद नहीं आती, ये क्या चक्कर है पता ही? क्योंकि ये मैदे को हीट कर देती हैं, फिर इसीलिए नींद नहीं आती, जलन होती रहती है, बिल्कुल नींद आती नहीं। मैं जबरदस्ती सोने की कोशिश की है फिर भी 2 बज गई, नींद ही नहीं आ रही थी, फिर रात को भी ऐसे माइंड है ना बंदे का वो जागता रहा है सारी रात। कभी आपने गोलियां नहीं खाई ना तो आपके मैदे को हीट कर देती हैं और जलन और बेचैनी सी रहती है। चाय बनाएंगी या कपड़े धोएंगी? इन्होंने क्या चला दिया है पता नहीं। पता नहीं, मैं तो कहती हूँ आप जाके उधर पता करें क्या चल रही है। वो देखें 11-12 रुपए, 10-11-12 रुपए पे जा रही है बिजली। हमारी मशीन भी नहीं चल रही, पहला पोर डाला हुआ है। इस्त्री वगैरह चल रही होगी, पता नहीं क्या चल रही है। कहाँ से पता करो? दोनों घरों से पता कर लो, या तो फिर अकरम भाई को कॉल लगा लो, कॉल करके पूछ लो। 12 रुपए तक भी पहुँच रही है। हाँ,
तो 12 एम्पायर तक जब पहुंच रही है तो पीछे क्या बचना है। चलो देखता हूँ, पता करता हूँ कि अक्रम भाई ने क्या चलाया हुआ है, इतनी लोड हो गई है सिस्टम के ऊपर। चले अभी पता कर लेते हैं। गली का मौसम भी देख ले, गली का नजारा देख लो वे, गली का नजारा देख लो वे। सिस्टम बंद होने वाला है, इतना बिजली खींच दिया है कि आपकी मोटर चल रही है, फ्रिज चल रही है। नहीं, फ्रिज तो चल रही है, सिस्टम बंद होने वाला है। इतना ज्यादा नहीं खींच रही, 12 एम्पायर, 12 एम्पायर ये मोटर फिर नहीं खींच रही। हमारी वॉशिंग मशीन चल रही थी, वो भी बंद हो गई, अभी सिस्टम बंद होने वाला है। मैंने कहा पता करूं क्या चल रहा है। इधर फ्रिज और मोटर चल रही है। अच्छा, फिर उधर भी कोई चीज चल रही होगी शायद, इस्त्री वगैरह या कोई ऐसी चीज। इस्त्री वगैरह चल रही होगी शायद, हमने तो अभी अभी मोटर चलाई है। मैंने वो देखे, मर जाती है,